हेलो एवरीवन, रेनीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्पेशल नारियल चटनी। कोई भी साउथ इंडियन फूड हो जैसे इडली, डोसा, वड़ा, सभी के साथ ये बहुत ज़रूरी है। खाने में ये जितनी टेस्टी है, बनाना इसे उतना ही आसान। नारियल चटनी बनाने के लिए हो सके तो आप ताज़े नारियल का ही इस्तेमाल करें। ताज़े नारियल से चटनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। नारियल चटनी बनाने के लिए मैंने एक हरा नारियल लिया, उसे तोड़ करके उसमें से गिरी निकाल ली, बारीक पीसेस में कट करके उसे वॉश कर लिया। नारियल बारीक पीसेस में काटने से ग्राइंड करने वक्त आसानी रहेगी। चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। मिक्सर जार में कुछ अनियन बल्ब डाल देंगे। थोड़े से अनियन बल्ब डालने से चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही नारियल के पीसेस डाल देंगे। नारियल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। भुनी हुई चना दाल डालेंगे। चना दाल बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ ही मैंने इसमें एक चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल दी। चटनी को तीखापन देने के लिए मैंने इसमें दो हरी मिर्च काट कर डाल दी और साथ ही थोड़ा सा अदरक डाल दिया। तीखेपन को बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो आप अकेली मूंगफली भी डाल सकते हैं। फाइन पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे ग्राइंड करने वाली हूँ। चटनी एक ही बार में नहीं पीसेंगे, मिक्सी को थोड़ा रुक रुक कर चलाएंगे। फाइन पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1/4 कप दूध को 3-4 बार में डाला है। आप दूध की जगह पानी डालकर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। चटनी को पीसने के लिए मैंने 1/4 से थोड़ा ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया है। इस चटनी को हम थोड़ा मोटा पीसेंगे। चटनी हमारी बहुत अच्छी तरह पीस चुकी है। चटनी को आप किसी बाउल में निकाल लेंगे। चटनी को और टेस्टी बनाने के लिए इसको छोटा सा तड़का लगाएंगे। पहले एक छोटी कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, फिर उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे, साथ ही थोड़ी सी हींग डालेंगे। लो फ्लेम पर राई को चिटकने देंगे। राई को चिटकने के बाद इसमें अब साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। लगातार हिलाते हुए इसे कुछ सेकंड के लिए और पकाएंगे। ध्यान रहे कड़ी पत्ते का कलर चेंज ना हो। अब इसमें तैयार की हुई चटनी डालेंगे। चटनी डालकर इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। चटनी को ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। 2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।